तो वहीं आपको अयोध्या से ये बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, चैत्र नवरात्र में राम जन्मभूमि मंदिर में शक्ति उपासना होगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 9 दिनों तक राम के साथ मां दुर्गा की भी पूजा होगी और 9वीं तिथि को रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से सीधे आपको बता रहे हैं, चैत्र नवरात्र में राम जन्मभूमि मंदिर में शक्ति उपासना होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, चांदी की चौकी पर कलश की स्थापना की जाएगी। बता दें कि राम लला की स्थापना के बाद से ही ये पहली चैत्र नवरात्रि है और 9 दिनों तक राम के साथ मां दुर्गा की भी पूजा अर्चना की जाएगी। 9वीं तिथि को रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि कल से यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर मंदिर को सजाया गया है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि चांदी की चौकी पर इस बार कलश की स्थापना अयोध्या में की जाएगी। 9 दिनों तक राम के साथ मां दुर्गा की भी पूजा अर्चना होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही 9वीं तिथि को रामलला को पूरा 56 भोग लगाया जाएगा। बता दें कि रामलला की स्थापना के बाद से ही अयोध्या में इस बार ये पहली चैत्र नवरात्रि पड़ रही है जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर में इस बार शक्ति उपासना की जाएगी और चांदी की चौकी पर कलश की स्थापना करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बार की चैत्र नवरात्रि काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि रामलला की स्थापना के बाद ये पहली चैत्र नवरात्रि अयोध्या में इस बार मनाई जाएगी और 9वीं तिथि के दिन रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा।